हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अगर आपने बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 का एग्ज़ाम दिया हुआ है, जो इस बार बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी ने करवाया है, तो आपके लिए गुड न्यूज़ है। जो आपका रिजल्ट है कि अभी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आप रिजल्ट कैसे देख सकते हैं, कैसे आपका रिजल्ट जारी होगा। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। आपके रिजल्ट को लेकर जो बीएड प्रवेश एग्ज़ाम आपने दिया, उसके लिए गुड न्यूज़ आई है। आपके रिजल्ट के बारे में बुंदेलखंड विश्वविद्यालय ने एक नोटिस जारी किया है। जो आपने बीएड एग्ज़ाम दिया था, बीएड एग्ज़ाम 2023 का एग्ज़ाम दिया था, क्योंकि इस बार बुंदेलखंड विश्वविद्यालय ने कराया, तो आज का नोटिस देख लेते हैं। इस नोटिस में क्या दिया हुआ है, देखिए। 29 जून को जारी हो सकता है बीएड परीक्षा परिणाम, यानी जो आपका एग्ज़ाम हुआ था बीएड का, कब आएगा? 29 जून को बीएड का या एंट्रेंस एग्ज़ाम का रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो सकता है। ये विश्वविद्यालय ने ये नोटिस जारी किया हुआ है, आज के न्यूज़पेपर में आया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि कॉपियों की स्कैनिंग का काम पूरा हुआ, उपस्थिति का चल रहा है मिलान, यानी जो आपकी कॉपियाँ थी उसका पूरा हो गया, उपस्थिति की प्रेजेंटेशन को लेकर चल रहा है। तो आप देखेंगे बुंदेलखंड, ये देखिए बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी 29 जून को बीएड की संयुक्त प्रवेश परीक्षा का परिणाम जारी कर सकता है, यानी 29 को आपका जो बीएड प्रवेश परीक्षा है का एक रिजल्ट है वो 29 को आ सकता है। और कॉपियों की स्कैनिंग हो चुकी है। इस बार देख लेते हैं बीएड के कितने स्टूडेंटों ने एग्ज़ाम दिया था। देख लीजिए 75 जिलों में एग्ज़ाम हुआ था, 1108 केंद्र थे। इस बार जो टोटल स्टूडेंट थे 4,72,882 स्टूडेंटों ने फॉर्म को अप्लाई किया था, जिसमें से 90% यानी 90% बच्चों ने एग्ज़ाम दिया। बाकी जो 10% बच्चे हैं उन्होंने एग्ज़ाम को छोड़ दिया था। जो टोटल एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट हैं 4,23,108 स्टूडेंटों ने एग्ज़ाम दिया था। ये पिछली, अगर ये देखा जाए कि पिछली बार ज़्यादा स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया था, इस बार उससे काफ़ी कम स्टूडेंट हैं जो एग्ज़ाम को दिए। तो इस बार बीएड में अगर आपने के अच्छे नंबर आ जाते हैं तो गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो अगर आपने बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया हुआ तो आपका रिजल्ट, आप विश्वविद्यालय की साइट पे जाएंगे और आपका 29 को रिजल्ट डिक्लेयर होगा, आप उस साइट पे देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।